अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्या खाना है? खाना खाना है। लेकिन मैं चेक करती हूँ। जनाब अली, एक तो कल का पड़ा हुआ चाउमिन, हाँ, एक ये है पड़ी हुई जनाब मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी, अच्छा अच्छा, ये तो वोट हो गया। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मिक्स सब्जी खाली खाने का इसलिए दिल नहीं कर रहा कि सेम सब्जी कल नूडल्स में भी थी। नूडल्स में भी थी और में भी थी। और मेरे ख्याल में कोई बड़े अरसे से हमें कोई, हाँ, और मैंने अपने व्यूअर्स को कह रहा था कि ये मैंने वो जो वाली आमना ने फाउंडेशन भेजी थी कोरियन वाली टर्टर, हाँ, टर्टर वो मैंने आज लगाई है। मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि जब मैं अप्लाई करूंगी तो मैं दिखा दूंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो बहुत पसंद आई है। बड़ा अच्छा कवर दिया है और जरा सी भी कोई ड्राइनेस नहीं हुई है स्किन में या पैची नहीं हुआ, तो इट्स अ गुड फाउंडेशन। ये मैंने कहा मैं फीडबैक दे दूं। और मुझे, मैं सोच रही हूँ कि ये जो सब्जी है इसके साथ कोई वो सीख तो मीठी चीज हो जाती है। मीठी 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 मीट से मीठी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि सीख कबाब ला, सीख कबाब ले आएंगे, ठीक है, यहीं करीब कहीं अच्छे एक जगह से सीख कबाब और साथ नान ले आते हैं। तब तक मैं फटाफट कर आती हूँ जिम। अच्छा, तो फिर मिलके करते हैं डिनर। तो बख्तावर अभी तक नहीं आई है। अगर बख्तावर ये वीडियो देख रही है तो उसको बता दें कि गुजारा हो ही रहा है। हाँ, आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा क्यों नहीं होता है, गुजारा फर्स्ट क्लास होता है। तो बस फिर आज का हमने का व्लॉग तो बनेगा, इसलिए हम ये बताते हैं कि जी हम आज अपना डिनर जो है उसके लिए क्या बंदोबस्त कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं गुजारा, क्योंकि घर आते आते टू बी वेरी ऑनेस्ट अंधेरा हो जाता है और उसके बाद हमारा और भी छोटे छोटे काम होते हैं, वो करते करते बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता कि कुछ कुकिंग करे। कल हमने बना लिया था चाउमिन, जो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख ले, बड़ा अच्छी रेसिपी थी और इतना मजे का बना था और हमने इतने जोश से खाया था कि वो अब खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो हमने जरा ज्यादा ही खा लिया था। और फिर हमारे पास ये मिक्स सब्जी बनी हुई पड़ी हुई है तो हमने कहा कि चलो इसके साथ लाते हैं जनाब कोई सीख कबाब, कोई रेशमी कबाब या अफगानी कबाब या टर्किश कबाब और साथ लाते हैं नान और करते हैं मिल के सारे डिनर। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम, वापिस आकर टेबल लगाती हूँ, सालन गर्म करते हैं, कबाब खोलते हैं, इंजॉय करते हैं और आपको भी के साथ लगाते हैं गपशप। तो कहीं पर मिलने जाना हमारे साथ ही है। yes. ये क्या देख रही हो? जी ये मैं जिम जाने से पहले वो मेरी शाम की भी एक दवाई होती है। अच्छा अच्छा, जो अन्य भी जवान नहीं, नहीं अल्लाह का शुक्र है जवान है यार, इतने बूढ़े भी नहीं है, ऐसी कौन सी बात है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिसंबर वाला, जो दिसंबर में जो सरप्राइज है वो भी तो नहीं देना ना? हाँ नहीं नहीं, दिसंबर वाला सरप्राइज हम दिसंबर में देंगे इंशाल्लाह। बता दिया हमने का सरप्राइज है, बड़े वाला सरप्राइज है ना। तो जी अपन जाते हैं जिम, बनाते हैं थोड़े डोले शोले, कोशिश करूंगी कि वहां पर थोड़ी सी वीडियो बना लूं। अच्छा, मैं समझा तुम कहने लगे कोशिश करूंगी आज ही डोले बन जाए। नहीं, मुझे डोले बनाने का मुझे शौक भी नहीं है, मैंने क्या डोले बनाने हैं। और वैसे खवातीन को अच्छा भी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ नेचुरली मैं कहती हूँ थोड़ी वो, बस आदमी की फिटनेस होनी चाहिए। फिटनेस एब्सोल्युटली 100% करेक्ट, बंदे बना सकते हैं, खवातीन का जो है वो ये होना चाहिए कि ट्रेडमिल पे थोड़ी कार्डियो वार्डियो में कर लूं। अभी मेरी एज में मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहे, मेरा कार्डियक सिस्टम अच्छा रहे, मुझे हाइपरटेंशन ना हो, डायबिटीज ना हो, यही कोशिश होती है। और चलना फिरना चाहिए, चलने फिरने से जो ये वॉक है जो ये मैं ट्रेडमिल के ऊपर करती हूँ, दिस इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन एंड इट इज गुड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है या आपकी एंडोक्रिनोलॉजी से रिलेटेड है या आपकी जिस भी चीज से रिलेटेड। yes. तो बस उसी के लिए भी चेंज करते हैं और जाते हैं जनाब जिम और वर्कआउट करते हैं और वापस आकर होती है दोबारा आपसे मुलाकात। जी मैं पहुंच गई हूँ अपने जिम साजिद के साथ, जो कि है मेरे ड्राइवर। साजिद मैं आधे घंटे में आती हूँ। कल फिर जुमा है, मेरी तो छुट्टी है कल, फिर आपने आप बनवाएंगे मेरे साथ कुकिंग का? जी भाई इंशाल्लाह। तो गाइज गुड न्यूज़ ये है कि साजिद इज अ गुड कुक और हमने सोचा है कि शाजिया मैं और साजिद मिलके कल हम बनाएंगे खाना। कल का व्लॉग मिस करने वाला नहीं है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।
अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक फ्रॉम जिम और आपके मामा गिलोर ने इतनी एक्सरसाइज की है कि वो क्या कहते हैं हुलियातुल अर्ज टाइट हो गया। ये मैं सोचा था आज तुमने ज्यादा देर, आज लेग डे था तो वो जोशे जज्बात में आकर मैंने कुछ इतनी एक्सरसाइज कर ली है, मुझे इतनी भूख भी लग रही है और हुलिया टाइट हो चुका और हिला भी नहीं जा रहा। तो अभी मेरे ख्याल में फटाफट लाते हैं कबाब और जब तक आप कबाब लाएंगे तब तक मैं टेबल लगा देती हूँ। आप वहाँ का छोटा सा एक क्लिप बना लेना जहाँ से भी आप ला रहे हैं कबाब, लेकिन कबाब होने चाहिए अच्छे मजेदार। ओके। चार अदर नान और कबाब कितने? छह। तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चले ले आए फिर। यार इतनी देर हो गई है, मुजीब आई ही नहीं, तो लिहाजा मैंने जिम के कपड़े उतार के चेंज कर लिए हैं। खाने की टेबल लगी हुई है जो कि मुजीब ने लगाई हुई है। तेरा मेरा अब मैं सालन गर्म करने के लिए रख लेती हूँ। दो बंदों का काम वैसे कोई खास नहीं होता। इधर से निकालते हैं जी अपना सब्जी का सालन और इसको रखते हैं गर्म होने के लिए। आय हाय टक्कर ही लग गई है यार, जिम से आने के बाद ना मत मारी हुई होती है मेरी। इसको क्योंकि बहुत ठंडा है मैं दे देती हूँ जी 3 मिनट्स पहले देती हूँ ना तो रीसेट करके। हाँ बस ना ची ची 3 मिनट्स का मैंने दे दिया। 3 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, नहीं गर्म होगा तो फिर और कर लेंगे। और अब मुजीब लेके आने वाले हैं कबाब। ये देखो जी कौन आया, देखो ये कौन आया। ये पहले तो छोटे गेट से अंदर आए हैं, फिर बड़ा गेट खुला है और ये आ गए हैं जी बाबा लेके कबाब। लेट्स गो डाउन। मैं ऊपर आ गई थी, नीचे चलते हैं। सालन भी गर्म हो चुका है, खाते हैं जी खाना। ताला खुल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। तो बड़ी मुजीब चूहे दौड़ रहे हैं। बस आ गए। खुश आमदीद पखैर रागले जम जम आओ। मैंने तो सालन गरम है, ठीक है, नान भी गरम है, रोटियां भी गरम। कबाब आ गए। नो नेगेटिव कमेंट। ये क्या है? यूनिक। वो क्या है? ये वो तुम्हारा नहीं उखड़ रहा था ड्रेसिंग टेबल का हल्का सा। आप भी जब तक बखिए ना उधड़ जाएं तब तक चीजों को दुरुस्त नहीं करते। आयो चलो आयो। वाह भाई वाह, खुशबुएं तो पूरे कमरे में फैल गई हैं। ये कबाब है कि क्या है? अच्छा जी, इस पे लगाते हैं हम अपना ये फ्रंट कैम के साथ, तो इसलिए आपको लगेगा कि हम उल्टे हाथ से खा रहे हैं, लेकिन हम उल्टे हाथ से नहीं खा रहे। आ भी जाएं। आ जाए मुजीब, अब नहीं बर्दाश्त होवत। इसमें से ये खाना गर्म ये किया हुआ मैंने। ओए हाय 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 हाय, बड़ा गर्म है मुजीब। छोड़ मैं निकाल, देख लें फिर आप क्या निकालते हैं। हम लोहे के बने हुए हैं। ओ जैस प्लीज। चलो फिर ओके, और मैं लेके आती हूँ वो कबाबों के लिए हॉट पॉट। ये जी हमारा आ गया हॉट एंड द पॉट। इसमें हम दोनों ही चीजें रख लेते हैं, नान भी, बड़े खबरदार नान लाए हैं। मैं दिखा देती हूँ कि कौन से वाले आए। हाय मुजीब, वो क्यों नहीं लाए कलौंजी नान?
सादा नान आए हैं जी हमारे घर, सादे नान आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है, दो होल व्हीट है और दो मैदे वाले हैं, ये हो गए जी। और कबाब भी, सॉरी वो मोबाइल गिर गया था। कबाब कबाब कबाब, ये चटनी आ गई, ये मैं भी निकालती हूँ। और जी कबाब भी मैं आपको दिखा दूँ, झुक रही हूँ क्योंकि वो फिर वरना मैं कैमरे की रेंज से निकल जाऊंगा। ये है कबाब, और मुजीब कह रहे थे कि या आठ कबाब मिल रहे थे या चार मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो जरा कनात पसंदी करके चार कबाब ही मंगवा लेते हैं। चार वाह, लेकिन देखा ना किंग्स। लो जी, तो गाइस आपको पता है कि मुझसे सब्जी नहीं ज्यादा मुझे पसंद होती, तो इसलिए मेरा तो मेरी जान पे बनी हुई थी। Yes. नहीं नहीं मुझे पहले मैं सब्जी लूंगी। नहीं 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 तो आप ठंडे हो जाएंगे। मैं इसलिए गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल। साथ ले लेते हैं जी कबाब, और साथ आप ले लेंगे। ये कहां से लाई है? ये चट्टा से। अच्छा अच्छा, तुमने होल व्हीट लेना है या नान? होल व्हीट साथ ये ले ली जनाब हमने, चटनी होल व्हीट। और मैं आपको क्या बताऊं, क्या खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो लाल आटे वाली रोटी है, होल व्हीट और बड़ी जबरदस्त है, वेरी हेल्दी। तो जी ये हम खा रहे हैं। अच्छा एक और बात मुझे, मैं आपको बता दूं कि साजिद नहीं है जो हमारा ड्राइवर है, जो जाफर के जाने के बाद हमने रखा है, वो बहुत कीन है कि वो हमारे लिए कुछ कल पकाए। अच्छा वाकई? लेकिन मैं नहीं चाहती क्योंकि ड्राइवर का ओहदा तो ये होता है कि वो ड्राइवरी ही करे, लेकिन ही वॉन्ट्स बड़े शौक से। अच्छा ओके, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ हेल्प कर दूंगी। ठीक है, और कल जुमा है, मेरी छुट्टी है, तो इसलिए कल हमारे ड्राइवर ने मुबैना तौर पे हमें हमारे साथ वादा किया। तो अच्छा वो कहते हैं मैं मीट मास्टर हूँ। अच्छा ओके, चाहे बीफ हो चाहे मटन हो। अच्छा, तो मैंने उसको कहा है, मैंने कहा तुम वो दोनों चीजें छोड़ो, तुम चिकन कढ़ाई बनाओ। हाँ तो मीट में तुम चिकन भी साल हो जाएगी जनाब, दाल बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये मैंने कहा कि गुड न्यूज़, ये खा के जरा मुझे बताओगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मटर बाहर नहीं, मटर को भी पता कि मामा गिलोर के सब्जी नहीं पसंद है ना, जबरदस्त है, बहुत मजेदार। दही चटनी, वाह जी वाह, ये कौन से वाले हैं, चिकन? बहुत मजे की है। तो चीमा और चट्टा तो आपको पता है, ये पता नहीं चीमा और चट्टा ये बड़े चटोरे भाई थे। है ना, दोनों भाई होंगे, इनका क्या रिश्ता था, जैसे वो बेकरियों में भी है रिश्तेदार आपस में, है ना। हाँ पूरे फैमिली के बिजनेसेस है ना, फैमिली बिजनेसेस है। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच जी, इतना मजेदार कबाब आप लाए। वाकई दो सॉन्ग्स आजकल मेरे मुंह पे चढ़े हुए हैं, है तो लव सॉन्ग्स, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुझे पूरे नहीं आते। तो मैं आपको बता देती हूँ, दोनों ही नहीं आपने सुने होंगे, मेरे व्यूअर्स ने सुने होंगे। तो पहली शेर के बाद जो है ना वो मैं भूल जाती हूँ, तो आप बताना कि वो क्या है। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ आके भागो, ला 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 ला। ये तो आप ही ड्रामा फॉलो कर रहे थे, कभी मैं कभी कभी मैं कभी तुम था ना। चल दिए तुम कहाँ पे, आगे भूल जाती हूँ मैं। और दूसरा जो था ना रिकॉर्ड, मुझे बहुत पसंद था, तेरा मेरा है प्यार अमर, ये जीवन क्या, ये कबाब भी उठा के तेरी प्लेट में मैं रख दूं। मुझे वाकई नहीं आता इसे आगे, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तेरा मेरा है प्यार अमर, साद का फेवरेट था। तुम कह रही थी ना नहीं सुने हुए, आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जीवन क्या रहा, मेरी जान फना कर दूं, मुझे नहीं पता, बट इट्स अ ब्यूटीफुल, बड़ी कैची ट्यून है।
खैर ये गाने और ये सारा कुछ मैं इसलिए करती रहती हूँ जरा आपका दिल लगा रहे मेरे साथ, ये ना हो कल कला को आप बोर हो जाए। आप सोचे भी क्या बोर बीवी है, है भाई? तो कहीं बाहर दफ्तर में ही टाइम गुजार गुजूर के आ जाया करें। नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है यार, मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों जो है, हम दो और हमारे तीन हमारे तीन जो है बाहर है। हाँ। तो हम दो ये है। नहीं यार वो आप ये कहें यार बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है आपकी, है भाई बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो है। ओहो ये तो फिर जबरदस्ती में करा रही हूँ अपनी तारीफ। नहीं नहीं इसमें जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जीवन क्या मांगे भी अगर तेरी जान फना कर दूं। ये ख्याल आया मुझे अरशाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबा को भी कोई ख्याल आया। ये फरमाइए ये बताओ मैं हमतन खरगोश हूँ। अभी हमतन खरगोश रहना अभी इन्हीं दिनों में हमने लाहौर में खाया बारबेक्यू। यप बट में खाया बट में ठीक है भटकड़ाई और ये अभी हम चीमा वाला खा रहे हैं जी। और तीनों जगह हमने कबाब लिए ये चट्टे वाले। हाँ तो मुझे बताओ कि कौन सा सबसे इन तीनों में तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा? बट कढ़ाई यस नंबर वन। नंबर टू लाहौर। अच्छा नंबर थ्री बहुत मजे का वैसे ये। अच्छा लेकिन आपने मुझे कहा है ना कि भाई इनकी वो कैटेगराइज करो पॉइंट पॉइंट का फर्क होगा है सारे मजे के बारबेक्यू हो और मजे का पाकिस्तान में ना हो या नहीं हो सकता। बहरहाल अंदर ही अंदर चुपके से एक ख्वाहिश पल रही थी मेरे दिल में कि जो मैंने मैं अयां नहीं कर सकी मुजीब के सामने क्योंकि मुजीब खाते नहीं है चपली कबाब। हाय हाय क्या चपली कबाब लाते होते हैं मुजीब जब लाए तो और उसके ऊपर चटनी और उसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्च उसके लिए एक अर्ज हो रही थी। वो तो तुम्हारे ड्रीम गार्डन में सबसे अच्छे बनते हैं भाई। वहां तो मुझे एक बजे के बाद खुशबुएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां से ले आना ना कभी। चलो ठीक है कल परसों तक से ले आना स्पेशल अंडे वाले। या सर्दियों में मजा आता है। चलो जी इस तरह से हमारा अब ये डिनर चल रहा है। ऐ बख्तावर अंजुम ऐ बख्तावर अगर तू हमें देख रही है अस्सलाम वालेकुम कैसी है आप? हमारी दुआ है कि आपके वालिद अल्लाह के फजल व करम से ठीक हो। वैसे उसके भाई से मेरी बात हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो बख्तावर जी आप पता नहीं अब उधर क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रही है। टाइम पास कर रही टाइम तो चले जी खत्म करें व्लॉग। दिल ही नहीं करता सारों को खुदा हाफिज कहने का। वाकई सही बात है मजा बड़ा आ रहा है। आप लोगों को भी आइडिया मैं दे दूं कि अगर खाली सब्जी बनी हुई हो जिसको हलक से उतारना मुश्किल हो रहा हो वैसे लेकिन ये सब्जी है मजे की मिलेगी। भुनी हुई सब्जी है गाजर शिमला की मिर्च मटर एंड आलू और साथ हम ले आए थे ये सीख कबाब। तो अमेजिंग कॉम्बिनेशन हो गया है। ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करें वैसे भी कर दिया करें यार हिम्मत बढ़ाने के लिए। देखें बड़े प्यार से हम ना पसंद आए फिर भी कर दे रोज हम आपको ज्वाइन करते हैं बड़े प्यार से जो भी रूटीन होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे सेहतयाब रखे हंसता खेलता रखे अपने अपने घरों में अपने अपने माँ बाप के साथ अपने अपने खानदान के साथ और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगले व्लॉग तक के लिए मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज। लाया हूँ ग्लू तो वो तुम्हारे वो जो चिप हुआ है बोर्ड थोड़ा सा ठीक कर दो। नहीं मुजीब वो अभी ना करे लेकिन ये अलार्म जो था ना ये सिक्योरिटी अलार्म सिक्योरिटी अलार्म ये कल बज रहा था। हाँ। बजे जा रहा था नहीं तो वो गार्ड आए थे मैंने उनका गलती से ये बज रहा है तो फिर
रिपोर्ट मैंने लिखवा दी हो कल इंशाल्लाह ठीक कर दी। ठीक करवाए मुझे, मैं डर गई थी। नहीं नहीं डर नहीं, तो तुम उठ गई थी इसलिए। हाँ। नहीं खैर है, वो मैं कल ठीक करा दूंगा इंशाल्लाह। पहले ठीक करवाए ना वो, पहले ठीक करा दूंगा। ठीक है उससे ये तो हम तो उठते ही हैं भाई, गार्ड भी अलर्ट होके पहुंच जाते ना सारे। लेकिन उनको क्या जरूरत है कि गलत वो बज रहा है और वो बार बार बेचारे आ रहे हैं। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि जब बजने का टाइम हो तो तब बजे। मैंने अंजुम बता दिया है, वो कल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है।